हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर होस्ट आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मोमोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इस शब्द से अच्छे से वाकिफ होंगे। आप भी उनमें से हो सकते हैं जिन्हें मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सभी को मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों ज़्यादा मोमोज खाना, रेगुलरली मोमोज खाना खराब है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मोमोज खाने हैं तो किस तरह की दुकान से खाना सही रहेगा, किस तरह के मोमोज खाना सही रहेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप भी मोमोज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मोमोज बनते कैसे हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और किस वजह से जो है कई बार इसके लिए जो लोग बातें करते हैं कि मोमोज बदनाम है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मोमोज खा सकते हो लेकिन किस तरह के मोमोज खाना सही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मोमोज एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड है। इसे देखकर तो क्या इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में आजकल पानी आ जाता है। कहने को तो ये एक तरह का चाइनीज़ फूड है जो मूल रूप से तिब्बत से आया है, लेकिन भारत के स्ट्रीट फूड में भी मोमोज काफ़ी पॉपुलर हो चले हैं। वेजिटेबल स्टफिंग के कारण वैसे तो हेल्दी माने जा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इन्हें खाने से आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। दोस्तों मोमोज के लिए नरम आटे में सब्जियों की स्टफिंग की जाती है और इसे मसालेदार डिप के साथ परोसा जाता है। स्पाइसी चटनी के साथ मोमो का स्वाद लोगों को बेहद पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितने हानिकारक है? ये हमारे शरीर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 7 कारण बताने जा रहा हूँ जो आपको इस चीज़ को लेकर कन्विंस कर देंगे कि भैया रोज़ मोमोज खाना सही नहीं है। तो रीज़न नंबर 1 है कि मैदे का उपयोग किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मैदा इस चीज़ को बनाने में लगता है। बेशक आप घर में मैदे से मोमोज बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में बिकने वाला मोमोज रिफाइंड आटे से तैयार किए जाते हैं जिसमें काफ़ी ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, जैसे कि क्लोरीन गैस और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए सही नहीं है। इन सभी केमिकल्स की मदद से मोमोज का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन ये हमारे पैनक्रियास को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने पर यह डायबिटीज़ का कारण भी बन सकती है। दोस्तों अगला रीज़न आता है कि बिना पकी हुई सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। बाज़ार में बिकने वाले मोमोज आपकी सेहत ख़राब कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियां ना पूरी तरह से पकी होती हैं, ना ही इन्हें अच्छे से साफ़ किया या धोया जाता है। इनकी स्टफिंग में ख़राब क्वालिटी वाली सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सड़ी गली सब्जियों में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपको बहुत बीमार बना सकते हैं। दोस्तों अगला रीज़न आता है कि बवासीर हो सकती है तीखी चटनी की वजह से। बेशक लाल मिर्च आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, लेकिन मोमोज के साथ सर्व की जाने वाली चटनी में ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च होती है। खाने में ये मिर्च बहुत स्वादिष्ट ज़रूर लगती होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इस मसालेदार चटनी के सेवन से बवासीर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। दोस्तों अगला रीज़न आता है कि ये मोटापा बढ़ाता है। आप सोच भी नहीं सकते लेकिन मोमोज आपको मोटा बना रहे हैं। दरअसल इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेन होते हैं जो न केवल वज़न बढ़ाते हैं बल्कि अन्य हेल्थ इश्यूज़ जैसे तांत्रिक विकार यानी डाइजेशन का प्रॉब्लम, मतली और सीने में दर्द जैसी समस्याओं की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला कारण जो है वो ये कि इसमें कच्ची गोभी डाली जाती है। तो मोमोज को बड़े शौक़ से खाने वाले लोगों को इसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। मोमोज का सेवन अगर ज़्यादा किया जाए तो ये दिमाग के विकास को भी रोक सकती है। दरअसल मोमोज गोभी का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में। यदि ये गोभी ठीक से ना पकी हो तो इसमें पाया जाने वाला कीड़ा टेप वॉर्म आपके मस्तिष्क तक भी पहुँच सकता है, धीरे धीरे पलता और बढ़ता भी है। टेप वॉर्म एक्चुअली में बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा होता है जिसकी लंबाई कई मीटर तक भी हो सकती है और यह आपके शरीर में ही पनपता है, आपके शरीर में ही जीवित रहता है। और ये कीड़ा अगर नहीं निकाला जाए सही समय पे तो ये आपकी जान का ख़तरा भी बना सकता है।
तो दोस्तों, मोमोज यंगस्टर्स का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। बेहतर है कि इसे रोज़ाना खाने के बजाय कभी कभी स्वाद के लिए ही खाएं। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करिएगा, इसके लिए मोमोज हमेशा अच्छी दुकान या रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मुझे लगता है कि मैंने आपको मोमोज को लेकर सतर्क कर दिया है। मोमोज ज़रूर खाइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ से खा रहे हैं वो दुकान अच्छी हो, वहाँ पे सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखा जाए, और इसे कोशिश करिए कि रोज़ ना खाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।